Assalamu alaikum. Yes, dear students, this one is the last video for normal distribution. Ab isme kya hai? Isme hume discuss karna hai about the conversion of binomial question into normal. Kyun conversion hota hai? Binomial ke question ko normal se kyun kiya jata hai? Jabki hum binomial bhi seekh chuke hain, binomial ke through bhi kiya ja sakta hai. Zara discuss karte hain. For example, we have two spinner. With a sides 1, 2, 3, 4. Now, 1, 2, 3, 4. And discrete random variable is the sum of the both values. So, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. अब देखिए आप working क्या की जाएगी. These values are called the discrete random variable. अगर probability distribution table इसका बनाया जाए तो क्या होगा? Here is the random variable x, probability of x, random variable क्या आया हमारे पास 2 से लेकर 8 तक, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This one is the discrete random variable here. What is the probability of 2? It is 1 over 16, 3, 2 over 16, 4, 3 over 16, 5, 4 over 16, 6, 3 over 16, 7, 2 over 16, 8, 1 over 16. Summation of all equals to 1. Discrete random variable ka question. Ab zara by the help of histogram. For example, this one is the probability axis. Now, the probability of 2 is, agar histogram ke through working karte hain, toh here is the probability of 2. Probability of 3 is a little more than 2. Probability of 4 is a little more than 3. Probability of 5 is a little more than 4. Probability of 6 is equal to 4. Probability of 7 is equals to 3. Probability of 8 is equals to 2. Now, अब आप देखिए, अगर इन probabilities पर focus किया जाए, अगर इस histogram पर focus किया जाए, तो ये histogram हमें normally distributed histogram लग रहा है कि left और right पर same probabilities हैं from the maximum one. अब अगर आपसे कहा जाए calculate the probability up to 3, तो आपने क्या करना है? 2 और 3 दोनों probabilities को add कर लेना है. अगर आपसे कहा जाए find out the probability of 5, तो आपने ये probability लिखनी है. अगर कहा जाए more than 6, तो आपने 7 और 8 की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है. अब जरा इधर आए हम और इस पर एक कर्व बनाएं. तो अब आप देखिए जरा, ये कर्व एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व, जैसा कि अभी जेड कर्व हमने शो किया, उसी जैसा कर्व ये बनकर आ रहा है. और बेसिकली ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये प्रोबेबिलिटीज आपको देगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की, राइट? अगर आपने 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना होगा? इस बार का एरिया कैलकुलेट करना होगा. अगर आपने 4 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना होगा? इस बार का एरिया आपने कैलकुलेट करना होगा. अगर आपने मोर देन 6 का कैलकुलेट करना है एरिया, तो आपने 7 और 8 की बार का एरिया कैलकुलेट करना होगा. तो ये कन्वर्जन है बाइनोमियल की नॉर्मल में.
किस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है ये अभी डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हिस्टोग्राम में आप लोगों ने जब हिस्टोग्राम बनाया तो हिस्टोग्राम आपने बनाया कहां पर? क्लास बाउंड्रीज पर। और क्लास बाउंड्रीज में आप लोगों को क्या बताया गया था कि 0.5 सब्ट्रैक्ट एंड 0.5 आपने ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल कर्व, बाय द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोग्राम, तो हमें क्या करना होगा? 2.1.5 से लेकर 2.5 तक का एरिया कैलकुलेट करना होगा, राइट? ये वाली बार क्योंकि 1.5 से 2.5 तक है। और अगर 3 को कैलकुलेट करना है तो 2.5 से 3.5 एंड सो ऑन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन कहलाती है ये कि अगर हमें 2 का एरिया कैलकुलेट करना है तो 2 की बार कंप्लीटली इसमें पिक की जाएगी और कहां से कहां तक होगी? 1.5 से लेकर 2.5 तक। अब ये क्या है कंटिन्यूटी करेक्शन, किस तरीके से वर्किंग की जाएगी, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4, लेस देन 4, तो आप इसको डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। अगर हमें नॉर्मल कर्व पर आना है तो हमें एक चीज अप्लाई करना होगी। क्या चीज? मतलब मैं यहां पर 4 की बार बना रहा हूं, हियर इट इज 4। आपसे कहा है लेस देन 4 कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला एरिया आपने कैलकुलेट करना है 4 से कम का एरिया। ये वाली 2 बार्स आ जाएंगी और ये 2 बार्स कहां तक? 3.5 से चलना स्टार्ट होंगी। तो इट मींस हमें इस जगह से लेस देन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन, कंटिन्यूटी करेक्शन के बाद मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3.5। अब ये क्वेश्चन बनेगा नॉर्मल का और फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे नॉर्मल का क्वेश्चन बनकर सॉल्व किया जाएगा नॉर्मल की हेल्प से, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग कंटिन्यूटी करेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इन बिटवीन 5 एंड 7, इन बिटवीन 5 एंड 7 इंक्लूसिवली, तो साथ में आप बार बना लिया कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा कंटिन्यूटी करेक्शन। हियर इट इज 5, हियर इट इज 7। इक्वल टू का साइन है मतलब ये वाली बार भी इंक्लूड हो गई, इक्वल टू का साइन है मतलब ये वाली बार भी इंक्लूड हो गई। तो कहां से अब चलना स्टार्ट करेंगे? 4.5 से लेकर कहां तक जाएंगे हम? 7.5 तक। इट मींस अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल हमारा ये क्वेश्चन बनकर आएगा, राइट? अब एक चीज और, बिफोर अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन हम लोगों ने इक्वल टू का साइन लगाया हुआ था। आफ्टर द कंटिन्यूटी करेक्शन इक्वल टू लगाएं ना लगाएं इसका कोई मैटर नहीं है, राइट? क्योंकि नॉर्मल कर्व अप टू द रिक्वायर्ड वैल्यू आपको बताता है हमेशा, एग्जैक्ट किसी एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल कर्व नहीं बता सकता। लाइक योर कमलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कमलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में भी आपने अप टू द रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करना होता है या मोर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। किसी एक वैल्यू, किसी एक एक्स की वैल्यू नहीं बता सकता ना कमलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, सेम लाइक ना दिस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व और द जेड कर्व। कंटिन्यूटी करेक्शन अमूमन स्टूडेंट भूल जाते हैं कि कंटिन्यूटी करेक्शन भी अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, तो जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। लेकिन आप लोग जहन में रखिएगा कि हमेशा जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन हो बाइनोमियल टू नॉर्मल कंटिन्यूटी करेक्शन यूज की जाएगी। अब एक चीज और सुनिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि सर कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है, जबकि एक क्वेश्चन बाइनोमियल का था, हम बाइनोमियल से ही क्वेश्चन कर सकते थे, फिर हमने इसको नॉर्मल में कन्वर्ट क्यों किया? तो बेटा इसका आंसर ये है कि अभी तो कितने आउटकम है इसके अंदर? सिर्फ 16 आउटकम्स हैं। अगर यही आउटकम्स
160 हो जाएं, यही आउटकम्स 100 हो जाएं, यही आउटकम्स 50 हो जाएं, और लेस देन 50 या लेस देन 35 या ग्रेटर देन 35 इस टाइप की कोई वैल्यू कैलकुलेट करना हो बाइनोमियल में. बाइनोमियल डिपेंड किस पर करता है? एन पर और पी पर. बाइनोमियल डिपेंड करता है एन पर और पी पर. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया, हियर इट इज बाइनोमियल 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3. फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली. कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 0, 1, 2, 3. बहुत इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल. लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए एक्स 50, 1/3, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 15. तो अब क्या किया जाएगा? लेस देन 15, 0 से लेकर 14 तक की वैल्यूज आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट करना होगी. अगर ज्यादा वैल्यूज हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं? 1 से माइनस करते हैं. तो कोई बात नहीं, 1 से माइनस अगर किया जाए तो बेटा 15 से लेकर 50 तक आपने जाना है. फिर भी बहुत ज्यादा वैल्यूज हो गई. मीन्स अगर इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसकी कन्वर्जन होती है बाइनोमियल के क्वेश्चन की कन्वर्जन होती है नॉर्मल में, और फिर इजिली वो सॉल्व हो सकता है. क्वेश्चन बाइनोमियल से भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. तो टाइम सेव करने के लिए हम कन्वर्जन करते हैं बाइनोमियल के क्वेश्चन की नॉर्मल में, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. और कहां कन्वर्जन होती है? कन्वर्जन उस वक्त होती है जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाए, तो कन्वर्ट किया जाता है बाइनोमियल के क्वेश्चन को नॉर्मल में. लाइक ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें एन कितना है? 50. ये क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन है, इसमें एन कितना है? 5. अब प्रॉब्लम क्या होती है? पूछा जाता है कि सर ये बड़ा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ द क्वेश्चन इज अ बिग क्वेश्चन, देन हाउ कैन वी कन्वर्ट? देन व्हाट आर द रूल्स टू कन्वर्ट बाइनोमियल इनटू नॉर्मल? और क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा हो जाए, ये कहने का मतलब क्या है कि यार क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाए, कोई ना कोई तो रूल इसका भी होगा कि क्वेश्चन बड़ा हो. किस क्वेश्चन को कहा जाएगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल में? तो अब जरा इसको डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन को कहा जाएगा कि क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए, और किस क्वेश्चन को कहा जाएगा हाँ यार ये बाइनोमियल से सॉल्व किया जा सकता है. तो अब आप देखिए जरा, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से, और इसी पे ही बात करते हैं जरा. आई टोल्ड यू दैट ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. 5 की जगह इसको मैं लिख रहा हूं 6. क्या कहा गया कि यार ये एक छोटा क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल से सॉल्व नहीं हो सकता, इसको नॉर्मल में लेकर जाना होगा. बाइनोमियल सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. तो अब व्हाट इज के बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन, जरा इसको डिस्कस करते हैं. अब आप देखिए, आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले एन पी. एन कितना है जनाब? 6. पी कितना है जनाब? 1/3. रिजल्ट क्या आ गया? 2. रिजल्ट क्या आ गया? 2. अब आपने कैलकुलेट करना है एन क्यू. एन क्यू क्यू क्या होता है जनाब? 1 माइनस पी. जब 1 माइनस पी किया जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? 2/3. सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट कितना आया? 4. मजीद आगे फिर इसको डिस्कस करते हैं. अब इसमें अगर एनपी किया जाए, इसको मैं लिख रहा हूं चलें 60. एनपी अगर किया जाए, एनपी तो रिजल्ट कितना आया? 60 × 1/3, इट इज 20. और एन क्यू इसको सॉल्व किया गया 60 × 2/3, तो रिजल्ट कितना आया? 40. याद रखिएगा ये कन्वर्जन का रूल है कि कब कन्वर्ट किया जाएगा बाइनोमियल के क्वेश्चन को नॉर्मल में. अब आप देखिए, एनपी की वैल्यू लेस देन 5, एनक्यू की वैल्यू लेस देन 5, एनपी की वैल्यू ग्रेटर देन 5, एनक्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 5. अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें एन पी या एन क्यू दोनों में से कोई सी
एक वैल्यू भी ग्रेटर देन 5 हो जाए, सॉरी क्वेश्चन अगर आता है कि np और nq, तो दोनों में से दोनों ही वैल्यूज अगर लेस देन 5 हैं, तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली बाइनोमियल से सॉल्व करना होगा. अगर np nq ये दोनों वैल्यूज लेस देन 5 हो जाएं, इनका प्रोडक्ट, तो कहा जाएगा ये एक छोटा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल. अगर दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन 5 हो, किसी एक की बात नहीं है, दोनों वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 5 हो, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल. इसको कहा जाता है बड़ा क्वेश्चन, इट्स अ बिग क्वेश्चन, कि जहां पर एन पी एन क्यू दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 5 हो जाए, जहन में होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 5 होगा तो कन्वर्जन से ये क्वेश्चन होगा. अगर दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट की लेस देन 5 होंगी, तो ये डायरेक्टली बाइनोमियल से सॉल्व होगा. और जब भी क्वेश्चन बाइनोमियल से सॉल्व होगा, कंटिन्यूटी करेक्शन साथ में अप्लाई किया जाएगा. अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सॉल्व कैसे होगा, जरा वो चेक करते हैं. अब हम अपने द लास्ट वर्कशीट ऑफ नॉर्मल में, एंड द लास्ट वर्कशीट ऑफ नॉर्मल इज, जी सर, इट इज वर्कशीट नंबर 30 ऑफ योर बुक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ऊपर क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल. बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है हमें. फर्स्ट क्या कहा गया, इफ एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली, इफ एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली, ये क्या है जनाब, 60 क्या है, एन, और ये क्या है जनाब, पी. अप्लाई द कंटिन्यूटी करेक्शन बट डू नॉट वर्क आउट. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी जस्ट हैव टू अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन. चेक करते हैं, लेस देन 10 की प्रोबेबिलिटी, लेस देन 10 का एरिया आपने कैलकुलेट करना है. मैंने यहां पर बनाई बार, किसकी जनाब, 10 की. क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू, ये वाली बार पूरी आ गई, तो इट मींस 10.5 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10.5. अब आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो नेक्स्ट में हम वर्किंग करेंगे. ग्रेटर देन 37, 37 की हमने बार बनाई एक. मोर देन दिस, तो कहां से स्टार्ट हुए हम, 37.5 से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है 37.5 से. नाउ ये क्या लिखा हुआ जनाब, 20 एंड 30, 20 की बार बनाई गई, 30 की बार बनाई गई, 20 से ज्यादा, देयर इज नो इक्वल टू साइन, 30 इंक्लूडेड है एज वी हैव द इक्वल टू साइन हियर. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जनाब, यहां से स्टार्ट की जाएगी, कहां से, 20.5 से लेकर कहां तक, 30.5 तक. कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करने के बाद इक्वल टू साइन लगाओ ना लगाओ उसका मैटर नहीं है, बिफोर द कंटिन्यूटी करेक्शन इक्वल टू साइन जरूर लगाना है. हियर ऑल्सो वी हैव फॉर एग्जाम्पल दिस 40 की हमने यहां पर बार बनाना है, हियर इट इज 40, और ये हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इन बिटवीन 39.5 टू 40.5, यहां से आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. ये तो सिर्फ कंटिन्यूटी करेक्शन हो गया. अब जरा हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं कि किस तरीके से बाइनोमियल का क्वेश्चन नॉर्मल में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 हियर. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, या चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन इज 1000, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इट इज 0.3. लेस देन 280 की प्रोबेबिलिटीज हमें कैलकुलेट करना है. लेस देन 280 मतलब 280 ऑप्शंस अगर हम बाइनोमियल के फॉर्मूला के थ्रू करने लगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा. अब हम इसको जरा शो करते हैं पहले कि यार ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इस वजह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको नॉर्मल में. और लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कैसे शो की जाएगी, आइए जरा इस पर वर्किंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली विद हेयर इट इज 100 एंड हेयर इट इज 0.3, सॉरी 1000 एंड 0.3. अब आप देखिए हम कन्वर्जन इसको किस तरीके से करते हैं कि ये आप लोगों को बताया गया था कि कन्वर्जन क्या हो जाएगी.
सबसे पहले हमने ये चेक करना है एन पी की वैल्यू। एन पी की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इट इज 300। फिर हमने चेक करना है एन क्यू की वैल्यू, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 700। दोनों ही ग्रेटर देन 5 हैं। जी जनाब, कन्वर्ट हो सकता है बाइनोमियल नॉर्मल में। कन्वर्ट करते हैं बाइनोमियल को नॉर्मल में। एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, मीन कितना है जनाब? मीन तो यार एन पी मीन कहलाता है ना, तो मीन कितना आ गया इसका? 300। एंड व्हाट इज द वेरियंस? वेरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो इन बाइनोमियल वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ वेरियंस, वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ वेरियंस, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7। अब आप देखें इसमें ये फॉर्मूला है, आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला शीट गिवन तो होती है, लेकिन फॉर्मूला शीट गिवन होने का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मूला जो है वो याद ना रखें। फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला जहन में होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप क्लिक कर सकेंगे कि यार यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? एन पी क्यू मल्टीप्लाई किया गया, द रिजल्ट इज 210। इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो। हम इस वजह से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें यहां पर वेरियंस की रिक्वायरमेंट है। वेरियंस इज 210 हियर। नाउ कन्वर्ट हो गया बाइनोमियल नॉर्मल में, कन्वर्ट हो गया बाइनोमियल का क्वेश्चन नॉर्मल में। अब नॉर्मल में जब ये कन्वर्ट हो गया, अब आते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए में आपसे कहा गया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 280, लेस देन 280। आइए जनाब, 280 से कम, मीन कितना है जनाब? 300। हियर इट इज 280। अब ये किसकी वैल्यूज हैं? दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। कन्वर्ट किया जाएगा इसको वैल्यूज ऑफ जेड में। अब एक चीज और सुनिए, अगर मैं इसको वैल्यू ऑफ जेड में कन्वर्ट करता हूं और आंसर लिखता हूं, तो कन्वर्जन जो है, जो रिजल्ट आएगा हमारा, वो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम एक चीज जो कि हमेशा स्टूडेंट जो है वो भूलते हैं मोस्टली। तो अब वो क्या चीज हमने भूली? कि जब क्वेश्चन होगा बाइनोमियल का, कन्वर्ट किया जाएगा उसको नॉर्मल में, तो व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप क्या है? इस पर हमें कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करना होगी लेस देन 280 पर। तो लेस देन 280 पर, हियर इट इज 280, इससे कम, मतलब कहां से आए हम? 279.5। तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट कीजिए लेस 79.5। आइए जनाब इधर लिखते हैं 279.5, इससे कम का एरिया हमें चाहिए। कैसे होगा? जेड कन्वर्जन फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एक्स मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू यहां पर जेड की वैल्यू आएगी, हियर इट इज 0। अब आप लेस देन नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। लेस देन नेगेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू जेड। मतलब तो हम क्या करते हैं, लेस देन नेगेटिव को अगर हम शिफ्ट करते हैं इसको पॉजिटिव में, तो ये जेड हो गया, ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल हो गए। अब हमने इस पर वर्किंग इस तरीके से करनी है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव द सेकंड पार्ट, पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड सॉरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 320, अप्लाइंग कंटिन्यूटी करेक्शन, 320 ये रहा, दिस एंड मोर देन दिस, कहां से स्टार्ट करेंगे? 319.5 से। डायग्राम अगर स्केच की जाए इसकी, व्हाट इज द मीन? मीन इज 300, हियर इट इज 319.5, इससे ज्यादा, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। कन्वर्ट किया गया इसको जेड में, ये जीरो हो गया, लेट्स से इट इज Z1। डायरेक्टली अब आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है Z1 तक की,
लेकिन जब इससे ऊपर जाना है तो हमने क्या किया, वन से इसको माइनस कर दिया, ये आपके पास रिजल्ट आया। इस तरीके से आपने, क्या था जनाब पहला स्टेप, क्वेश्चन आपको दिया गया था बाइनोमियल का, एन जिसमें आपको दिया गया 1000, पी आपको दिया गया 0.3, और आपसे कहा गया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 280। एकदम परेशान हो गए कि यार 280 से कम किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। जब ये बहुत सारी वैल्यूज हैं तो फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फिर जहन में आया कि नहीं यार, ये तो हम अप्रोक्सीमेशन थ्रू नॉर्मल के करते हैं, हम तो इसको कन्वर्जन नॉर्मल में करना है। नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट होगा, नॉर्मल में कन्वर्ट होगा जनाब, सबसे पहले तो ये एग्जामिनर को शो करना है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है और इसको हम नॉर्मल से सॉल्व कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कैसे सॉल्व की, कैसे शो की जाएगी, एन पी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर, एन क्यू अगर दोनों ग्रेटर देन 5 की तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल में। फिर अब आप जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल में, तो एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन, मीन क्या होता है जनाब, यहां से आपने मीन कैलकुलेट कर लिया एन पी के थ्रू जो आया 300। साथ में वेरियंस भी हमें लिखना है, तो वेरियंस कैसे कैलकुलेट होता है, वी हैव अ फॉर्मूला हेयर एन पी क्यू, एन पी क्यू के थ्रू हमने वेरियंस कैलकुलेट किया, इट इज 210। नाउ अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा लेस देन 280 का। लेस देन 280 का क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई होगा, और कंटिन्यूटी करेक्शन में आपने एक बार बनाई 280 की, हिस्टोग्राम 0.5 लेफ्ट 0.5 राइट, लेस देन 280, 280 इससे कम रहना है, 279.5 से कम की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करना है। फिर आपने कमलेटिव सॉरी जेड कर्व आपने बनाया, मीन आपका 300 है, 279.5 से कम का एरिया आपने कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट किया इसको जेड में और फिर इसको सॉल्व कर लिया। सेम हियर, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 320 आपने बनाना है तो आपने बार बनाई, कवर कर रहा है इक्वल टू के साइन से, 319 से ज्यादा का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। 319 से ज्यादा का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, जेड में कन्वर्ट किया, बाय द हेल्प ऑफ टेबल आपने मोर देन का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब इसके डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और ये तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बता दिए गए, अब वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हम लोगों ने किया हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी अप टू द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड, इसके बाद डिफरेंट चीजें और अटैच हुई। सेकेंड हम लोगों ने किया कि इफ द मीन इज नॉट इक्वल टू 0 और द वेरियंस इज नॉट इक्वल टू 1, देन हाउ कैन वी कन्वर्ट द वैल्यूज इंटू 0 एंड 1, एंड देन हाउ कैन वी गेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेड। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिवर्स प्रोसेस किया कि अगर जेड टेबल आपको गिवन, जेड कर्व आपको गिवन है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड बाय द रिवर्स फॉर्म, मीन्स के प्रोबेबिलिटी गिवन जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और इसी में ही हम लोगों ने एक और टाइप की कि अगर एक्स कर्व आपको गिवन है तो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी आपने, प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला विच इज एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अगर बाइनोमियल का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अपना टाइम सेव करने के लिए तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, और बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंदी है, इसके लिए आपको बताया गया कि शो करना पड़ेगा आपने कि एन पी एंड एन क्यू दोनों का प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो हम कहेंगे द क्वेश्चन इज लेंदी एंड वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है वर्किंग करेंगे हम कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस पर, तो यही तमाम जो रूल्स हैं वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल होंगे, होपफुली क्लियर हुआ होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 4 और 5 पार्ट्स में हम लोगों ने कवर किया है, तो इसको देखते रहिए बार बार। कोई क्यूरीज हो डायरेक्टली आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।